जिनका बाल झड़ते हैं उनके लिए ऐसे नेल्स को पीछे से रगड़ने से बाल झड़ते और बाल घने लंबे हो जाते हैं। मेरे बाल भी यहाँ कमर तक आते हैं, इतने लंबे हैं। हाँ, किसी किसी के बाल बढ़ते ही नहीं, फिर कटवाने पड़ते हैं मजबूरी में। तो ये ऐसे कर लेना ये, और सुनो अनुलोम विलोम बहुत जरूरी है। आपको आज बहुत कुछ सिखाना है मुझे एक दिन में। अनुलोम विलोम एक बार सभी करेंगे, 5 मिनट 5 मिनट्स डेली एक बार कम से कम प्रैक्टिस जरूर करना है। चलो सीधे बैठिए, एक बार राइट हैंड को उठाइए, लेफ्ट से लिया राइट से, फिर राइट से लेंगे, लेफ्ट से बाहर, ऑल्टरनेटिवली ब्रीदिंग। डू दिस कंटिन्यूअसली 3 to 5 मिनट्स ऑल्टरनेटिव ब्रीदिंग। लेफ्ट चंद्रस्वर, राइट सूर्यस्वर, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, और इससे जुड़ी हुई 72,72,10,201 नाड़ियां, अष्टचक्र, नवद्वार, ये पूरा मेमोरी को शार्प कर देता है। अनुलोम विलोम सब करो, अभी रुको मत, डू दिस कंटिन्यूअसली। सब बच्चों करो, सब कंटिन्यूअसली फॉलो दिस। जो अनुलोम विलोम करेंगे उनकी मेमोरी शार्प होगी। मेमोरी क्या होगी बोलो? शार्प। आईक्यू लेवल बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। बहुत से बच्चे बोलते हैं, बाबा जी आज ही मुझसे सुबह बच्चे मिले। इधर एक सरस्वती शिशु मंदिर के बच्चे बोलते, बाबा जी हमको ना मेमोरी थोड़ी वीक है, याद करते हैं तो फिर वो भूल जाते हैं, मेमोरी लॉस हो जाता है। अनुलोम विलोम करने वाले को मेमोरी लॉस नहीं होगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आईक्यू लेवल बढ़ेगा। ये रिलैक्स। फिर जिन बच्चों का मेमोरी बहुत वीक है उनको मेधावटी लेना। क्या लेना बोलो? मेधावटी। तीन चीजें ब्रेन के लिए बहुत अच्छी हैं, एक तो मेधावटी, एक बादाम रोगन, बादाम ऑयल बहुत अच्छा होता है, उससे एलमंड ऑयल से ब्रेन एकदम एक्टिव हो जाता है। हम जो भी फूड लेते हैं 80% हमारा दिमाग खाता है, 20% में पूरी बॉडी चलती है। इसलिए आपस में हिंदी में जब बात करते हैं ना, लोग बोलते हैं मेरा दिमाग मत खाओ, ऐसा बोलते हैं। सुनो, हम जो फूड लेते हैं 80% कंज्यूम कौन करता है? ब्रेन। और ब्रेन के लिए सबसे हेल्दी क्या है? आलमंड। दूसरा है अखरोट, ये फिर मिल्क, काओ घी, ये अच्छी चीजें हैं दिमाग के लिए। तो मेधावटी, आलमंड ऑयल, और एक होता है ज्योतिषमती, मालकांगनी उसको बोलते हैं हिंदी में, ज्योतिषमती संस्कृत नाम है उसका। उसका ऑयल दो बूंद लिया जाए, 2 ड्रॉप्स ओनली 2 ड्रॉप्स, और यदि 5-10 ड्रॉप्स रहो तो अर्थराइटिस को भी दूर कर देता है ज्योतिषमती। ये तीन चीजें बहुत अच्छी होती है ब्रेन के लिए, और ये अनुलोम विलोम प्राणायाम ब्रेन में 10-20% मैक्सिमम डिफरेंस होता है। किसी का 80% आएगा, किसी का 90, किसी का 100। 80% से नीचे जो वीक है वो हमारी मेहनत ना करने से, आलस्य से है, आलस्य। 80 to 100 इसके बीच में रहना चाहिए सभी स्टूडेंट को, 80 से नीचे नहीं आना चाहिए किसी का भी मार्क्स। ये अनुलोम विलोम करना, मेधावटी लेना, आलमंड ऑयल का प्रयोग करना या काओ घी ले लेना, ज्योतिषमती ले लेना, इससे मस्तिष्क का आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। ये अनुलोम विलोम। फिर अगला, ये पांच तो सबको करना है।
फिर भ्रामरी, पहले उंगली माथे पर रखिए, फर्स्ट फिंगर फोरहेड पर, रेस्ट फिंगर आईज पर, ईयर्स को क्लोज कर लेंगे अंगूठे से, फिर नाद होगा ओंकार नाद, थ्री टाइम्स, प्लेस योर फर्स्ट फिंगर ऑन योर फोरहेड, रेस्ट फिंगर्स ऑन योर आईज, क्लोज योर ईयर्स विद योर थंब्स, क्लोज योर माउथ फर्स्ट, देन इनहेल द ब्रेथ and exhale it with the humming of Om. Three times. दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में उद्गीत प्राणायाम, आंखें बंद, क्लोज योर आईज, लंबा गहरा श्वास भरेंगे, टेक अ डीप ब्रेथ एंड एक्सहेल इट विद द साउंड ऑफ ओम. बीच में लंबा गहरा श्वास भरना. कंप्लीट साइलेंस, मौन हो जाते, श्वासों के साथ ओम का ध्यान करते. आज्ञा चक्र में माथे के बीच में ओंकार का एक सिंबल बनाना और उसी में पूरे समाहित हो जाना. ओंकार ही ज्ञान का मूल स्रोत है. ओंकार इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज, इमोशंस एंड पावर. ऐसे ओंकार ब्रह्म का थोड़ी देर ध्यान करें, फिर दोनों हाथ ऊपर उठाना, आपस में रगड़ना और दोनों हाथों को रखना, आंखें खोल लें. ये फाइव ब्रीदिंग एक्सरसाइज, फर्स्ट इज भस्त्रिका से, व्हाट इज द नेम, सेकंड कपाल भाती, सेकंड क्या है बोलो, थर्ड अनुलोम विलोम, क्या है बोलो, फोर्थ भ्रामरी, क्या है बोलो, और पांचवा ओम उद्गीत, फिफ्थ क्या है, उद्गीत ओम. ये पांच तो सब बच्चों को करना है. अब पांच पांच बातें सबको बताऊंगा, इससे ज्यादा आप बच्चे याद भी नहीं रख पाते हैं. और ये सब माताएं अपने छोटे बच्चों को जरूर कराना, फाइव ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड ओंकार ध्यान. चलो अब मैं पांच आपको बताऊंगा आसन, फाइव पोस्चर्स फॉर स्टूडेंट्स. ये स्टूडेंट्स के लिए
फाइव पोस्चर बहुत जरूरी है, फिर फाइव मेडिसिन भी बताऊंगा। आंवला, एलवेरा, गिलोय, गिलोय को अमृतबल्ली बोलते हैं, फिर तुलसी वेजल, और जिनका पेट खराब रहता है उनको त्रिफला, और जिनको 100 साल तक स्किन बहुत अच्छी चाहिए, हड्डियां स्ट्रॉन्ग चाहिए, तो वर्जिन कोकोनट ऑयल। देखो पहले तो कोकोनट ऑयल के बारे में बहुत भ्रांति फैलाई, साउथ वाले पहले सब कौन सा ऑयल खाते थे, कोकोनट ऑयल, अभी क्या खिला दिया, ये सब एमएनसीज ने वो पाम ऑयल खिलाने के लिए उल्टा पुल्टा कर दिया। कोकोनट ऑयल इज द बेस्ट फॉर हेल्थ, साउथ में कोकोनट ऑयल और नॉर्थ में मस्टर्ड ऑयल दो सबसे अच्छे हैं। और वर्जिन कोकोनट ऑयल तो ऐसे खाली पेट खाना चाहिए, वर्जिन कोकोनट ऑयल वो जो है हमने भी निकाला, अब विदेशों में अमेरिका, ब्रिटेन, पूरा यूरोप वो एक चम्मच वर्जिन कोकोनट ऑयल सुबह एम्प्टी स्टोमक लेते हैं, बहुत जबरदस्त है। खैर आपको बहुत कुछ बताएंगे, पहले फाइव पोस्चर्स बता रहे स्टूडेंट्स के लिए, यंगस्टर्स के लिए, पहले आपको वॉल के साथ करना पड़ेगा शीर्षासन, क्या नाम है बोलो, ऐसे करना पड़ेगा, एक से दो मिनट करना, कुछ बच्चे कोशिश कर रहे हैं। जो शीर्षासन करेगा उसके कभी हेयर फॉल, आईज पर ग्लासेस, उसको कभी मेमोरी लॉस, उसका कंसंट्रेशन, उसका आयु के लेवल बहुत अच्छा होगा, उसके चेहरे पर नेचुरल ग्लो रहेगा, बहुत जबरदस्त है। कितनी देर करना, एक वन टू मिनट, एक एक मिनट करो, वन मिनट करो पहले, वन मिनट, ठीक है। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण है सर्वांग आसन, सभी लेट के मेरे साथ करने की कोशिश करना, बच्चे तो कर ही लेंगे, बड़ों को दिक्कत आएगी थोड़ा, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स लेट करके करेंगे सर्वांग आसन, क्या करेंगे बोलो, सर्वांग आसन के लिए ऐसे लेट जाएंगे, लेट करके पैर उठाएंगे और ऐसे आपने किया, कुछ ने तो कोशिश ही नहीं की। सर्वांग आसन क्या है बोलो इसका नाम, बहुत अच्छा है, इसके करने वालों की हाइट अच्छी होगी, क्या होगी बोलो, हाइट अच्छी होगी, आईसाइट अच्छी होगी, थायराइड की प्रॉब्लम नहीं होगी। हाइट बढ़ाने में एक तो थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी ग्लैंड, तीन का बड़ा मेजर रोल है, इससे पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड पूरा 100% बैलेंस हो जाता है, हाइट अच्छी होगी, आईसाइट अच्छी होगी, मेमोरी अच्छी होगी। फिर हलासन,
वक्रासना, ऐसे हाथ रखो और बीच से उठाओ। किया आपने कुछ ऐसे कर रहे हैं ऐसे, ये नहीं ऐसे नहीं करना, ऐसे समझ में आई। फिर लास्ट पैर सामने खोलो, पांचवा फिफ्थ पैर सामने पश्चिमोत्तानासन, हाथ उठाइए। आगे झुक जाइए, झुको झुको, माथा घुटनों से लगाओ, कमर में ज्यादा दर्द है तो मत झुकना। हो गया, चलो ये 5 पोस्चर्स मिनिमम है। आज एक दिन में आपको बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। वज्रासन में बैठने के लिए कैसे बैठते हैं, देखो दो तरीके हैं इसके। ये है दंडासन, क्या नाम है बोलो, दंडासन। एक तो ऐसे बैठते हैं, पैर ऐसे लेके आए और ऐसे बैठ गए, एक तो ये तरीका है। दूसरा है ऐसे, एक पैर को ऐसे रख दिया, दूसरे को ऐसे रख दिया, ये हो गया वज्रासन। क्या नाम है बोलो, वज्रासन। हाँ, इसमें बैठ के स्टडी कर सकते हैं, वज्रासन में, पद्मासन में। सुनो, अब आपको दो खास बातें सिखाने वाले हैं। एक तो बैठना कैसे, एक तो वज्रासन में बैठना स्टडी के समय। खाने के बाद तो थोड़ी देर बैठना चाहिए, डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है। ये जो पिंडली है ना, इनको दबाने से डाइजेशन अच्छा होता है। जिनका पेट खराब रहता है, पिंडली दबा दो, काफ को ऐसे दबा दो, पेट अच्छा हो जाता है। हाँ, फिर ऐसे बैठने से भी पेट अच्छा हो जाता है, एक पोस्चर। दूसरा पद्मासन, ये बैठने का पोस्चर। तीसरा सुखासन, ऐसे बैठने का पोस्चर। और हमेशा सीधे बैठना, याद रखना, कभी भी झुक करके नहीं बैठना। कुछ ना ऐसे बैंड होके बैठते, पहले तो ऐसे बैठेंगे, फिर थोड़ी देर में ऐसे नहीं बैठना, ऐसे नहीं बैठना, कुछ तो और झुक जाते, ऐसे ही बैठते, कुछ ऐसे बैठते। ऐसे नहीं बैठना, हमेशा कीप योर बैक एंड नेक ऑलवेज स्ट्रेट, स्ट्रेट रखना, स्ट्रेट रखना, ऐसे एकदम बैलेंस रहना चाहिए। झुक करके नहीं बैठना, एक बार सीधे बैठना, जो भी आसन में बैठो। बच्चे पढ़ाई करते समय ऐसे बैठते हैं, कुछ तो उल्टा लेट करके पढ़ते हैं, ऐसे ऐसे पढ़ते। ये ठीक तरीका, इसे धीरे धीरे आई साइट वीक हो जाती है, ऐसे नहीं पढ़ना। फिर लेटते समय कैसे लेटते, दिस इज रॉन्ग, ऐसे नहीं लेटना, कुछ ऐसे लेटते हैं। ये भी गलत है, कुछ ऐसे लेटते हैं, ऐसे। और कुछ तो रात भर ही ऐसे ऐसे ही करते रहते हैं। ये तरीका नहीं, ये सही तरीका ये है। या साइड में लेटना हो तो ऐसे, देखो ये तरीका है। साइड में लेटना हो तो ऐसे तकिया लगाना, पीलो लगाना थोड़ा, और ऐसे ये घुटने पर घुटना और इतने पैर सीधे, ये राइट पोजीशन है लेटने की। देखो
ज्यादातर लोगों को लेटना सही तरीके से आता, सोना सही तरीके से, स्लीपिंग का राइट पोज नहीं होता, बैठने का भी राइट पोज नहीं होता। देखो अभी दो तीन बातें गहरी बताता हूं, एक बात याद रखना, एक क्षण भी गलत विचार मन में नहीं आना चाहिए। क्या बोला? एक क्षण भी गलत विचार नहीं आना चाहिए, एक कण भी गलत आहार का अंदर जाना नहीं चाहिए, नहीं गलत आहार, नहीं गलत विचार, रॉन्ग थॉट्स, अनहेल्दी थॉट्स, अनहेल्दी फूड, ये दोनों ही बड़े डेंजर है। याद रखना। अगली बात मेरे साथ सब हाथ जोड़ करके बैठेंगे, बोलेंगे माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्याः मातृदेवो भवा पितृदेवो भवा आचार्य देवो भवा अतिथि देवो भवा राष्ट्र देवो भवा। माता भूमि पुत्रो हम पृथ्वी, मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव, ये हमारी संस्कृति है। देखो सुबह उठ करके सबसे पहले धरती माता को ऐसे प्रणाम, माता पिता को ऐसे चरण छू के प्रणाम, माता पिता गुरुजन सामने ना भी हो तो उनको श्रद्धा पूर्वक भावनात्मक प्रणाम करना चाहिए और मन में संकल्प रखना चाहिए कि जब तक मेरे शरीर में खून की आखिरी बूंद शेष रहेगी मैं भारत माता के साथ धोखा और गद्दारी नहीं करूंगा, मैं अपने माता पिता के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति, अपने गुरुजनों ऋषि जनों के प्रति श्रद्धा रखूंगा। ये है हमारी छोटी छोटी बातें। देखो अभी ये तो मैंने आपको कुछ बात बताई, पोजिशन, बैठना उठना सोचना कैसे। अब अगली बात, किसी किसी बच्चे को रात को सोते सोते शुशु हो जाता है, रात को यूरिन पास हो जाता है, तो क्या करना? ये जो आपको यूरिन के लिए जाना हो तो इधर भी यही उंगली खड़ी करते हैं क्या स्कूल में, है ना? ये इसको क्या करना, इस उंगली को ऐसे प्रेस कर देना तो रात को शुशु नहीं होगा, छोटी उंगली को दबाने से रात को फिर शुशु नहीं होता है। हाँ ये छोटी उंगली और ये कपाल भाति प्राणायाम, तिल सेस में होता है ना, सेस में तिल, एलो तिल सेस में, उसका लड्डू बना के खिलाना चाहिए छोटा छोटा बच्चे को, एक चम्मच दो चम्मच तो, और ये पॉइंट दबाओ तो रात को बच्चों को शुशु नहीं होगा। और ये कपाल भाति, फिर किसी किसी बच्चे को ये नाक बहुत चलता रहता है, गंगा यमुना सरस्वती कृष्णा कावेरी साथ साथ चलती रहती, फिर बच्चे ऐसे करते रहते हैं, पूरा नमकीन मसाला खाते रहते हैं। एक तो ये करना कपाल भाति, दूसरा ये कोई एलर्जी का प्रॉब्लम बच्चों को नहीं होगा, दूसरा गिलोय घनवटी, अमृत बल्ली है ना उसका टिकड़ी आती है, टैबलेट आती है, वो एक एक दे देना बच्चों को, कोई भी ये एलर्जी, फिर इम्यूनिटी वीक होती है तो फिर कफ, फिर उनको फीवर, फिर बार बार उनको वीकनेस रहती है, नहीं होगा। इसलिए मैंने बोला आंवला एलोवेरा गिलोय तुलसी त्रिफला, ये पांच चीजें तो सबको यूज करनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी बहुत अच्छी रहती है हेल्थ के लिए। फिर ये बच्चों को बार बार कफ एलर्जी फीवर आता है ना जिनको, उनको गिलोय घनवटी गुड़ूची गुड़वेला ये है, बहुत होती है, मैं भी रोज पीता हूं इसको यदि पॉसिबल होता है तो,
मुझे कभी भी कफ, एलर्जी, सर्दी, जुकाम, फीवर भी नहीं होता। कभी मुझे सिर दर्द भी, हेडेक भी नहीं होता। कभी मेरे को फूड, आजकल एक और होने लग गया, फूड पॉइजनिंग बहुत होता है लोगों को। मुझे कभी भी आज तक लाइफ में फूड पॉइजनिंग नहीं हुआ ना होगा। क्यों? क्योंकि एक तो कपाल भाती करता हूं, दूसरा गिलोय का इस्तेमाल करता हूं। नो कफ, नो एलर्जी, नो फीवर, नो इंडाइजेशन, नो हेडेक। ये इसका ये टैबलेट है, एक टैबलेट दे देना छोटे बच्चों को भी। इससे इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, कभी आपको लाइफ में फीवर नहीं आएगा, लाइफ में फीवर नहीं आएगा। नो कफ, नो एलर्जी, नो फीवर, इम्यूनिटी बूस्टर है, इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। जो बच्चों का बहुत इम्यून सिस्टम वीक है उनके लिए गिलोय घनवटी, फिर उनको ये मैं बोल रहा था ना बादाम रोगन, ये तो इतना अच्छा है, एलमंड ऑयल है ये बादाम तेल, ये 100% प्योर हम लोग बनाते हैं। इसको 10 ड्रॉप्स छोटे बच्चों के लिए, जो बड़ी उम्र वाले हैं उनको टीस्पून, और जो हेल्दी है पूरे 1 स्पून मिल्क में डाल के पी लो, 100 ईयर्स तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इतना अच्छा चीज़ है बादाम रोगन, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं।